नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भाजपा के केंद्रीय संगठन द्वारा प्रदेश के 57 जिलों में महिला मोर्चा की राष्ट्र पदाधिकारी बहनों को 2 दिवसीय प्रवास पर भेजा गया। इसी के तहत बड़वानी जिले में प्रवास हेतु गुजरात से प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री नीपा कमल पटेल मंगलवार को बड़वानी पधारी, जो आगामी 2 दिनों तक बड़वानी जिले का भ्रमण करेंगी। महिला प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि नीपा पटेल के शहर आगमन पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया। बड़वानी आगमन पर सर्वप्रथम नीपा पटेल महिला मोर्चा के साथ सावरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने पहुंची, पश्चात शासकीय अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक लाभार्थियों से संवाद कर उक्त योजना के बारे में बताया। उसके बाद भाजपा कार्यालय में दोपहर 1 बजे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। महिला सम्मेलन में नीपा पटेल ने उपस्थित स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि माताओं में कुछ न कुछ गुण होता है, इसलिए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश की शिवराज सरकार माता बहनों के लिए रीटेक, इसलिए माताओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश की शिवराज सरकार माता बहनों के लिए कई जनहितैषी योजनाएं चला रही हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तो चल ही रही है, वहीं माता बहनों को और सशक्त व मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना शुरू किया है। गुजरात प्रांत की महिला मोर्चे की प्रदेश की मंत्री बहन नीपा जी पटेल हमारे बीच में पधारी है। मैं बड़वानी जिले की ओर से, महिला मोर्चे की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में मंचासीन कभी ना कभी उनकी सभा में जाना हुआ है, नहीं हुआ है तो शायद अब होगा। अभी नेक्स्ट बार मैं, मतलब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रधानमंत्री, तो मैं लक्ष्मी जी और ओम जी से बोलूंगी कि आप लोगों को लेके जाए, आप लोग उनको देखे। वैसे तो टीवी में हर रोज देखते हैं, सब देखते हैं, मन की बात कितने लोग देखते हैं, सब देखते हैं। आपको मन की बात में से कुछ सीखने को मिलता है? यहाँ जो स्व सहाय युद्ध की महिलाएं बैठी हैं, वो कुछ ना कुछ काम कर रही है। क्या करते हैं, कोई तो बताए, क्या काम करते हैं आप? कुछ करते हो? आपको सरकार की तरफ से लोन मिलती है, लोन सहाय मिलती है ना? कुछ करने के लिए हर एक को कुछ ना कुछ भारत सरकार देती है आपको। तो हम ऐसा कभी चाहेंगे कि जब हम दूसरी बार आए तो आप में से भी शायद 2, 3 या 4 महिलाएं इधर नजर आए, एक लीडर के स्वरूप में। आप सब में, मतलब हम सब में, हम महिलाएं हैं, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं और ऐसी शक्ति होती है, इसीलिए तो आप हमको क्या बोलते हैं, शक्ति स्वरूपा। आज यहाँ पे स्व सहाय जूथ से इतनी बहनें आई हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने बताया कि जब वो फील्ड में जाती थी तो पता ही नहीं था लोगों को कि ये योजना और ये लाभ कहाँ से आ रहे हैं। तो शायद अब तक जो यहाँ हॉल में बैठे हैं महिलाएं, उनको तो पता होगा कि सब लाभ कहाँ से आ रहे हैं। पता है आपको कहाँ से आ रहे हैं? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।